पल एक पल यूं ही थम सा गया, हाथ में हाथ जो दे गया, जहाँ मैं जहाँ जाए तू मैं रुत में हवाए तू साथिया। These women, who once worked as rag pickers at the Ghazipur landfill in East Delhi, now make art for a living. Around 50 meters from Ghazipur landfill, a waste dump taller than the Qutub Minar is Gulmeher, a Delhi-based NGO. Started in 2013, the NGO has rehabilitated several women waste pickers, who now create various products from flower waste. कचरा वाला काम तो खराब है ही, लेकिन क्या करें, पेट पालने के लिए हम कचरा उठाते ही थे। यहाँ जैसे सैलरी कम है तो वैसे बीमार कम होते हैं, क्योंकि ये साफ़ सफाई वाली काम है और कचरा उठाने वाला गंदा काम था। पेंटिंग बनानी होती है, जैसे कि ये पेंटिंग है, अच्छा लगता है बनाने में। हाँ, अच्छा लगता है, ऐसा लगता है मतलब हम भी मतलब कोई काम कर सकते हैं, हम भी कुछ बना सकते हैं, हमारे हाथों की टैलेंट है। देखो, पहले तो जब कूड़े का काम करते थे जब तो नहीं पता था, यहाँ आके सीखे फिर पता चला ना जी। जब हमने कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसे पेंटिंग वगैरह बना सकते हैं। वुमेन लाइक शबाना आर ट्रेन्ड टू मेक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स सच एज नेचुरल होली कलर्स, कैलेंडर्स, गिफ्ट बॉक्सेस, डायरीज, फाइल कवर्स, राखीज, यूजिंग फ्लावर वेस्ट फ्रॉम द होलसेल मार्केट। So Gulmeher is actually just a combination of two words, which is gul, which is flower, and meher, which is blessing in Punjabi. So we just combined the two words and made it into Gulmeher, so blessings of the flowers. My foundation, which is Shakti Foundation, is now supporting it. So when we started, of course, it was because the waste pickers needed an alternative livelihood. They would have been displaced from their current livelihoods, which was waste picking. So this we found was an appropriate livelihood, because a lot of flowers are wasted. So we got the waste pickers to collect the flowers and to make them into kind of marketable products and then sell. So that was the whole genesis of the project, that you use discarded flowers and in a sustainable manner while giving livelihood opportunities to the women. साल का, तो आप इनको यहाँ लाती थी आप नीचे स्कूल में, इसीलिए तो खत्ते का काम छोड़ा, जैसे यहाँ पे साफ सफाई का काम है, तो वही पढ़ाई भी होती है, बच्चों को भी देख लेते हैं और काम भी हो जाता है। यहाँ फूल पत्ती का भी काम करती हूँ नीचे, और अभी कलर का काम आता है, कलर में अच्छा लगता है। प्रिंटिंग का भी काम आता है, यहीं पर सिखाया था प्रिंटिंग का काम। Happier and confident in their newfound skills, the women have also found kinship in each other. Big sir, big boss का घर है। मैं देखती हूँ। कैसा लगता? अच्छा लगता है देखने में। उसमें ना ज़्यादातर लड़ाई होती है ना, बहुत अच्छा लगता है। ये लड़ाई नहीं। 18-year-old Farid wants to save money she earns by stitching and continue her studies. तो आपको सिलाई आती थी पहले? हाँ जी, मेरे को सिलाई आती थी। अच्छा, और यहाँ से आपने क्या सीखा? यहाँ से बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी मैंने, बैग वगैरह बनाना सीखे। 10 बजे आते हैं, 4 बजे जाते हैं, और टाइमिंग भी यहाँ की अच्छी है, बहुत अच्छी है, पास है, और मतलब कि ना ज़्यादा किराया वगैरह, पैदल आ जाते, पैदल चले जाते हैं, इस बात का भी फ़ायदा है हमें। आगे 12th का फॉर्म भरना जाते हैं, शेविंग करते हैं, मतलब कि या किसी का ले रखा है उसको दे रहे हैं धीरे धीरे। कमला जोशी, द सेंटर इंचार्ज, says it was difficult at first to train the women. वो एक जगह बैठने के आते नहीं थे, वो सबसे पहले मोस्ट कैम्प है एक जगह बैठा के काम करवाना। बस इनको कटिंग तो हमें इनको बहुत बाद में सिखाया है, पहले तो इनको कि फूल लेके फूल की पत्ती को आपको चिपकाना कैसे है, आप अपने मन से बनाओ, आप क्या बना सकते हो, ऐसे करके हम लोगों ने स्टार्ट किया इन लोगों के साथ। इन लोगों पीस रेट वगैरह पे काम कराते थे, अब जैसे मैंने बताया कि इनको सैलरी, इनका PF वगैरह सब कुछ करता है, अब इनका ये वाला होता है। Other than the craft center, Gulmeher also has a stitching unit, a bank account for the workers, and also an education center for their children. आपको पता है कि जब हम कोई भी बैंक में या कहीं भी खोलते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं,
तो फिर ऐसे बैठ के बात हुई, जब लेडी से बोलने लगी कि मैडम ऐसा है कि हम लोग कमाते माते हैं तो हम कुछ जोड़ना भी चाहते हैं तो हमारे अकाउंट वगैरह नहीं है, तो फिर अब जैसे और जगह इनका अकाउंट खोलने लगे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट वगैरह लगते हैं, तो फिर हमने यहाँ पर जैसे आप CSP आपने सुना होगा जो वो हमने इंडीपे वालों के साथ टाई अप करके हमने एक छोटा सा मिनी बैंक यहाँ खोल दिया, तो वो क्या है सिर्फ आधार कार्ड से खुलता था और आधार कार्ड भी किसी के पास ना हो तो हम उससे बिजली के बिल से और खोल देते थे। A lot of them have saved enough money for their daughters and sons to go to school, which they weren't earlier. A few of them have saved money to make toilets for themselves, which they didn't have. They're still staying in these jhuggis, but some of them have saved enough to make toilets for their families. The money is under their control, so that is again a big one. Normally, they kind of share their money with their husbands or with their families, but in this case, it's in their bank account. So it's a feeling of independence, of empowerment. So a lot of the women, even though the financial aspect may not have been that substantial, but the confidence that we see in the women, that's something which cannot be captured on paper, but that's something that we have noticed over the last 7 years. Over 60 women have been rehabilitated by the NGO, and they hope to reach out to corporates to expand their business. We are looking at kind of reaching out to more and more people, more and more corporates. Corporates now recognize that these are products which are not necessarily an NGO kind of products. They're actually good quality products. Another product line that we have now approached, which is not directly linked with flowers, is normal paper bags. A few corporates are using our bags, something like 20,000 bags a month. And that is again an area which we are looking at expanding in a large way. Many women still work at the landfill to clean our mess. Government ने तो बंद करवा तो दिया था खत्ता। फिर उसके बाद चोरी चोरी चुपके अब तभी भी जाते हैं लोग काम करने, अब क्या करेंगे? ऐसे भी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बड़े लोग तो करेंगे नहीं, जो है वो करेंगे तब तो सफाई रहेगी, ये भी तो है।